अब थ्रेड किस तरह से बनाते हैं वो देखें। अगर थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप एक क्लास बनाओ और उसमें रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। मैंने यहां एक क्लास बनाई माय इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो यहां पे मैंने माय क्लास के अंदर एक थ्रेड वेरिएबल डिक्लेयर किया टी, तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और एक थ्रेड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। यही अपन ने एप्लेट के केस में भी किया था, रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया था और थ्रेड टाइप का वेरिएबल टी। एक मैंने वेरिएबल लिया नेम, जिसमें मैं थ्रेड का नेम स्टोर करूंगा, नेम नाम का वेरिएबल। फिर अब अपन इसको समझेंगे मेन से। मेन में मैंने माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माय ए इक्वल टू न्यू माय फर्स्ट। राइट साइड में मेन बना हुआ है तो माय ए इक्वल टू न्यू माय फर्स्ट। इससे क्या होगा, माय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये फर्स्ट किस में जाएगा, एनएम नाम के वेरिएबल में। फर्स्ट किस में जाएगा, एनएम नाम के वेरिएबल के अंदर। एनएम को मैंने असाइन किया नेम में, तो नेम में हो गया फर्स्ट। फिर मैंने टी थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी, टी इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस कॉमा सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने थ्रेड का नेम दिया, नेम मतलब इस केस में फर्स्ट, और टी डॉट स्टार्ट। टी डॉट स्टार्ट मतलब स्टार्ट मेथड किसको कॉल करता है, रन को। बस स्टार्ट मेथड रन को कॉल करता है और थ्रेड रनेबल स्टेट में आ जाएगा। रन एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जब अपन स्टार्ट को कॉल करते हैं तो थ्रेड रनेबल स्टेट में आता है, रनिंग स्टेट में नहीं आता। तो ये टी डॉट स्टार्ट लिखा, इससे ये रन कॉल होगा लेकिन रन एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होगा। उसके बाद ये वापस यहां आ जाएगा जहां से मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, मतलब इस जगह पे। यहां मैंने लूप चलाया और प्रिंट किया मेन प्लस आई। तो बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है मेन, और एक थ्रेड मैंने और बना दिया टी, जिसका नाम मैंने क्या दिया है यहां से, फर्स्ट। इसको मैंने रन किया जावा थ्रेड टू। तो सबसे पहले यहां पे आ रहा है मैसेज मेन जीरो फर्स्ट जीरो, मेन वन फर्स्ट वन, मेन टू मेन थ्री, फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री। मेन जिसके पहले लिखा हुआ है वो अपन ने मेन थ्रेड के अंदर आई की वैल्यू डिस्प्ले करी है, और जहां फर्स्ट लिखा हुआ है वहां फर्स्ट वाले थ्रेड में आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो अभी ये आउटपुट आया, मैंने यहाँ पे सेम प्रोग्राम को वापस रन किया। अब आप देखोगे कि क्या आउटपुट आ रहा है, मेन जीरो फर्स्ट जीरो, फिर मेन वन मेन टू, जबकि ऊपर मेन वन और फर्स्ट वन आ रहा था, फिर फर्स्ट वन मेन थ्री फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री। तो इसका मतलब दो थ्रेड्स हैं, दोनों थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब उस केस में थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पे दो बार रन किया, दोनों बार अलग अलग आउटपुट आया। इसको मैं एक बार और रन करता हूं, मैंने वापस रन किया एक बार। अब की बार हो सकता है कि उनमें से कोई आउटपुट आए या कोई अलग आउटपुट आए। मैंने इसको दो बार वापस रन किया, दो बार वापस रन करने पे आप देखोगे पहली बार मेन जीरो फर्स्ट जीरो, मेन वन फर्स्ट टू, ऐसा ही यहाँ पे भी है, मेन जीरो फर्स्ट जीरो, मेन वन फर्स्ट टू, फिर यहाँ फर्स्ट वन है, यहाँ भी फर्स्ट वन है, मेन थ्री, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री, फर्स्ट टू फर्स्ट टू। तो इस बार मैंने दो बार प्रोग्राम को रन किया तो दोनों बार सेम आउटपुट आया है। तो थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है कि आपके प्रोग्राम में अगर कोई एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो कौन सा थ्रेड कब रन होना चाहिए।
यहां से मैंने माय ए इक्वल टू न्यू माय फर्स्ट लिखा, ये फर्स्ट लिखने पे ये इसमें गया, फिर मैंने थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करके स्टार्ट किया, स्टार्ट रन को कॉल करेगा लेकिन रन एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होगा, वापस प्रोग्राम का कंट्रोल यहीं आ जाएगा, तो पहला मैसेज प्रिंट करेगा ये मेन जीरो, फिर मेन थ्रेड स्लीप स्टेट में चला जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ थ्रेड डॉट स्लीप दिया है, तो कोई दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, दूसरा थ्रेड कौन सा है अपने पास, ये वाला। अब ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो मैसेज आएगा नेम मतलब फर्स्ट प्लस आई, तो फर्स्ट जीरो प्रिंट होगा, फिर ये थ्रेड स्लीप स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब मल्टीपल थ्रेड्स कब एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जब कोई एक थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाए तो दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसा मैंने कल समझाया था कि एक बार में रनेबल स्टेट में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं लेकिन रनिंग में एक ही होगा, तो जो रनिंग में होगा वो जब ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा तो दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेन की वैल्यू जीरो प्रिंट करने के बाद मेन थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, तो जब मेन थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा तो ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, ये थ्रेड एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इसका नेम फर्स्ट और आई की वैल्यू जीरो प्रिंट होने के बाद ये थ्रेड भी ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। तो अब दो थ्रेड्स हैं, दोनों ब्लॉक्ड स्टेट में हैं। जैसे ही दोनों में से कोई भी रनेबल स्टेट में आएगा तो वो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से अपन थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक ही प्रोग्राम है, ये क्लास माय यहाँ एंड हो गई, उसके बाद इसी में आगे पब्लिक क्लास है जो यहाँ एंड हुई। पब्लिक क्लास है तो ये प्रोग्राम जिस फाइल में सेव होगा उसका नाम थ्रेड टू डॉट जावा होगा। ये कंप्लीट एक ही प्रोग्राम है जिसमें दो क्लासेस हैं, पहली क्लास है माय और उसके नीचे क्लास बनी हुई है पब्लिक क्लास थ्रेड टू, लेकिन समझाने के पर्पस से मैंने लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग का प्रोग्राम है, राइट साइड में उसके आगे का प्रोग्राम। आप लोगों को सिंपल ये समझना है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे ट्रांसफर तभी होगा जब फर्स्ट वाला थ्रेड रुकेगा, और फर्स्ट वाला थ्रेड रोकने का पहला तरीका है स्लीप मेथड। आगे और तरीके भी करेंगे। अगर मैं ये स्लीप नहीं दूं तो मेन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, तो पहले मेन जीरो प्रिंट होगा, फिर मेन वन, फिर मेन टू, फिर मेन थ्री। अब मेन तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा थ्रेड कौन सा है ये, अब ये प्रिंट होगा, पहले जीरो, फिर स्लीप 1 सेकंड के बाद वन, 1 सेकंड के बाद टू, 1 सेकंड के बाद थ्री। और अगर मैं इसमें भी स्लीप नहीं दूं तो जीरो वन टू थ्री डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे बिना डिले के। अब थ्रेड के एग्जीक्यूशन को रोकने का और भी तरीका होता है। जैसे आप डेटा डाउनलोड कर रहे हो उसमें आप पॉज पे क्लिक करते हो तो वो रुक जाता है वहां, तो वैसे ही पॉज के केस में यहाँ पे मेथड होता है थ्रेड थ्रेड का सस्पेंड, और रिज्यूम पे क्लिक करते ही वापस डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहां रिज्यूम मेथड कॉल आ काम में आता है। तो अगर थ्रेड का काम है डेटा डाउनलोड करना, पॉज पे क्लिक करते ही अपन कोडिंग लिखी हुई होगी टी डॉट सस्पेंड, और रिज्यूम पे क्लिक करते ही टी डॉट रिज्यूम। तो स्लीप में तो अपन टाइम देते हैं कि कितनी देर तक एग्जीक्यूशन रुका रहना चाहिए, जबकि अगर मैं सस्पेंड मेथड कॉल करूंगा तो जब तक रिज्यूम कॉल नहीं करूंगा जब तक थ्रेड का एग्जीक्यूशन रुका रहेगा। अब मुझे अगर मल्टीपल थ्रेड बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ वही क्लास ली जो पिछले प्रोग्राम में थी, क्लास माय इम्प्लीमेंट्स रनेबल, और इस माय क्लास के अंदर मैंने वही थ्रेड लिया। माय क्लास का कोड सेम है पिछले प्रोग्राम जैसा, अब उसके नीचे क्लास बनाई है मैंने पब्लिक क्लास थ्रेड थ्री जो आपको राइट साइड में दिख रही है, इसके अंदर मैंने माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल टू न्यू माय फर्स्ट। इससे माय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एनएम में जाएगा फर्स्ट, फिर मैंने थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी दिस कॉमा नेम, तो फर्स्ट थ्रेड का नेम हो जाएगा फर्स्ट।
फिर मैंने माय क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये, इसके बाद ये थ्रेड को स्टार्ट करेगा। थ्रेड को स्टार्ट करने के साथ में ही रन कॉल होगा। रन कॉल होते ही फर्स्ट नाम का थ्रेड किसमें आ जाएगा, रनेबल स्टेट में। तो अब अपने प्रोग्राम में दो थ्रेड्स हैं, पहला मेन और दूसरा फर्स्ट। फिर ये वापस रन को कॉल करने के बाद वापस ये यहाँ आएगा नेक्स्ट लाइन। मैंने माय क्लास का ये एक और ऑब्जेक्ट बना दिया क्यू। इससे क्या होगा, ये सेकंड किस में जाएगा, एनएम में, और वापस से एक थ्रेड बनेगा सेकंड नाम से। फिर उसका रन कॉल होगा तो ये थ्रेड भी रनेबल स्टेट में आ जाएगा। फिर मैंने माय क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया आर, इक्वल टू न्यू माय थर्ड। जैसे अपन स्टूडेंट क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, वैसे ही अपन माय क्लास के भी कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जितने मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हर एक के अंदर एक थ्रेड होगा। तो ए के अंदर एक थ्रेड, क्यू के अंदर एक थ्रेड, आर के अंदर एक थ्रेड। तो तीन थ्रेड तो ये हो गए, तीनों थ्रेड रनेबल स्टेट में रहेंगे, और चौथा थ्रेड मेन होता ही है। चौथा थ्रेड मेन होगा तो टोटल इस प्रोग्राम में चार थ्रेड्स हो गए। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो चारों थ्रेड्स का आउटपुट आएगा। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो चार थ्रेड्स के बीच में डिवाइड हो रहा है। मेन जीरो, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, क्योंकि हर थ्रेड में मैंने स्लीप दिया हुआ है। फिर मेन वन, मेन टू, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। फिर मेन थ्री, फर्स्ट टू, सेकंड टू, थर्ड टू, फर्स्ट थ्री, सेकंड थ्री, थर्ड थ्री। मेन थ्रेड तो देखा जाए तो मेन थ्रेड अपना जो है वो यही एंड हो गया है, मेन थ्री मैसेज प्रिंट करने के बाद। तो इसका मतलब मेन थ्रेड पहले एंड हो रहा है और बाकी सारे थ्रेड्स बाद तक चल रहे हैं। मैं इसको वापस प्रोग्राम को रन करता हूं एक बार, जावा थ्रेड थ्री लिख के। तो इसमें भी आप यही देखोगे कि मेन थ्रेड तो एंड हो गया इधर, मेन टू मेन थ्री प्रिंट करने के बाद, और बाकी सारे थ्रेड्स आगे तक चल रहे हैं। तो अब इस केस में ऐसा क्यों हुआ ये अपन समझें वापस उसी प्रोग्राम से। क्योंकि मैंने मेन थ्रेड के अंदर स्लीप टाइम दिया हुआ है 1000 मिलीसेकंड्स, जबकि ये जो चाइल्ड थ्रेड्स हैं, जो दूसरे फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, इनके अंदर स्लीप टाइम मैंने ज्यादा दिया हुआ है। तो अगर मैं चाहूं कि मेन थ्रेड लास्ट में एंड होना चाहिए तो मैं मेन में स्लीप टाइम ज्यादा दे दूं, तो मेन उस केस में लास्ट में एंड होगा। बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है जिसका नाम है मेन। उसके अलावा मैंने यहाँ माय क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए, माय क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ए, क्यू और आर। तो माय क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर एक में एक थ्रेड टी होगा। तो एक ए के अंदर टी थ्रेड है, एक क्यू में टी थ्रेड है, एक आर में टी थ्रेड है। तो टोटल तीन थ्रेड्स हो गए ये, और एक मेन होता ही है, टोटल चार थ्रेड्स हो गए। अब जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो भी थ्रेड वेकअप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। यहाँ पे मेन में मैंने स्लीप टाइम 1000 दिया है, तो मेन पहले एंड हो जाएगा और चाइल्ड थ्रेड्स बाद तक चलते रहेंगे। अगर मैं चाहूँ कि मेन लास्ट में एंड होना चाहिए तो मेन में आप स्लीप टाइम ज्यादा दे दूँ, 1000 की जगह मैं 5000 दे दूँ या 10000 दे दूँ, तो मेन लास्ट में एंड होगा। ये मेन को लास्ट में एंड करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। स्लीप मेथड, स्टार्ट मेथड, ये दोनों किसके मेथड्स हैं, थ्रेड क्लास